And maybe we can enjoy life. Maybe we can enjoy life tonight. And everything will be alright. माई चैनल लिव लाइफ हैप्पीली, होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे. और आज हम लोग बहुत ज़्यादा खुश है बिकॉज वी आर गोइंग टू इंडिया. सो आज के ब्लॉग में मैं अपनी पूरी ट्रैवल जर्नी शेयर करूँगी आपके साथ. होप यू इन्जॉय माई वीडियो. हाई फ्रेंड्स, सो आज है हम लोग का डे इंडिया जाने का. और बस अभी हम लोग जा रहे हैं अपने भैया के घर पे. कार हम सोच रहे हैं वहीं पर रख दें, क्योंकि मे बी हेल वगैरह अगर हो तो फिर प्रॉब्लम होगी इस वजह से. सो बस पैकिंग हमारी पूरी हो चुकी है. आशिया स्कूल गई है क्योंकि हमारी फ्लाइट रात में है, तो मैंने सोचा कि आज चली जाती है क्योंकि 1 month का उसका हॉलीडे हो ही जाएगा. सो बस उसको, वो जैसे ही आएगी स्कूल से तो हम लोग निकल लेंगे. उससे पहले ही सब कुछ हमारा डन रहेगा. सो बस अभी जल्दी से कार रखने के लिए जाते हैं और फिर आपके साथ शेयर करेंगे कि हम सब कुछ अपना पूरा ट्रैवल जर्नी. सो आ गए थे हम लोग भैया के घर पे. बस जल्दी से यहाँ पे कार रखेंगे और फिर जल्दी से घर वापस जाना है. भैया के गैरेज में हमने गाड़ी रख दी, उसके बाद हमने बुक कर ली थी कैब और अभी हम लोग जा रहे हैं घर. और मैं आपको कल रात के कुछ क्लिप शेयर कर रही हूँ जब मैं पैकिंग कर रहे थे. यहाँ पे आशीष सारे हमारे सूटकेस का वेट चेक कर रहे हैं. इंटरनेशनल फ्लाइट में 23 kg चेक इन होता है और केबिन बैग 7 kg, तो वहीं सारी चीज़ें हम लोग पैक कर रहे थे. ये देखिए सारा सामान फैला हुआ है और हम लोग रात में ही सारे सूटकेस पैक करके रख दिए थे. और यहाँ पे ना इतने सारे बैग्स थे तो मैंने सारी चीज़ें लिख लिख के ऊपर चेन में रख दी हैं, जिससे मुझे पता चले कि कौन से बैग में क्या है. सो बस सारी पैकिंग हो गई थी. नाउ कम टू द प्रेजेंट डे. घर आने के बाद फिर चाय बनाई और ब्रेकफास्ट किया और थोड़ा बहुत जो लास्ट की पैकिंग बची हुई है वो करूँगी और फिर लंच भी बनाना है. इसके बाद शावर ले लिया था मैंने और पूजा कर लिया था. और लंच में मैंने आज बनाई थी तहरी, पापड़ और दही. उसके बाद हम लोग रेडी हो गए थे एयरपोर्ट के लिए. सो वी ऑल आर सेट. आशी टीका लगा रही है और बस इसके बाद हम लोग सारा लगेज लेके जा रहे हैं नीचे. सो बस हम लोग अभी निकल गए हैं और यहाँ पे मेरी फ्रेंड है और आशी है और आशी की फ्रेंड है. तो बस अभी आशी जा रहे हैं. अभी हम लोग को सी ऑफ करने के लिए सब लोग आए हैं. वो लास्ट आशी थोड़ा सा खेल ले अपने फ्रेंड के साथ. दूसरी फ्रेंड ये देखिए यहाँ से सी ऑफ कर रही है, बाय कर रही है. आपको दिख रहा होगा. कैब आ गई थी और हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे. फ्लाइट 8:30 की थी, हम लोग निकल गए थे 4:30 तक. You're set to go. Ashi is here. Passports? Yeah. Don't want to get all the way there, no passport. हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए थे और बस अभी लगेज निकाल रहे हैं. और हम सब इतना ज़्यादा एक्साइटेड है ना, फर्स्ट टाइम इंडिया जाने की खुशी ही कुछ और होती है. अद्विका तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इंडिया जाने के लिए, अपने कज़न से मिलने के लिए, सबसे मिलने के लिए. हाउ मच? इतना मज़ा आ रहा है बताओ. बहुत मज़ा आ रहा है. किस किस से मिलोगी जाके? सबसे ज़्यादा क्या इंजॉय करोगी वहाँ पे बताओ? गोरखपुर. नहीं, क्या खाने में क्या इंजॉय करोगी? गोलगप्पे और भोग. और स्ट्रीट फूड. स्ट्रीट फूड. स्ट्रीट फूड. ओके. सबसे पहले नंबर 1. सो सारे लगेज हमने कार्ट में रख दिए हैं. और यहाँ पे कार्ट ना चार्जेबल होती है, फ्री नहीं होती. इंडिया में हमें फ्री में मिल जाती है, बट यहाँ पे एयरपोर्ट में इस कार्ट का चार्ज देना होता है.
सो अभी हम लोग चेक इन कराने के लिए क्यू में लग गए थे। You guys are happy? Yes. Where are you going? India. After 1 year. सबसे पहले क्या खाओगे? गोलगप्पे। पानी बताओ। सब कुछ खाऊंगी, जो मिलेगा वो खाएंगे। वाह। पता नहीं क्या क्या खाएंगे, बट अभी इतना एक्साइटेड है, आई डोंट नो वहाँ पे जाके कितना खा पाएंगे। हाँ वही बात है, कोई नहीं, बहुत टाइम है। चलिए हमारी चेक इन तो हो गई, अभी चलते हैं सिक्योरिटी पे एंड वी गॉट अवर बोर्डिंग पास, सो चलिए चलते हैं। सो यहाँ पे देखिए हमारी फ्लाइट आ चुकी है और टैलिस से इस्तांबुल की फ्लाइट है, देन इस्तांबुल से कनेक्टेड है इंडिया की। पराठे बना के लाई थी क्योंकि हम लोग निकल गए थे 4:30 बजे, तो बस वहीं खा रहे हैं। और यहाँ पे हमारे फ्लाइट का टाइम हो गया, सो वी आर गोइंग फॉर द सिक्योरिटी। बस अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं फ्लाइट में एंड वी ऑल आर वेरी मच एक्साइटेड, वी आर गोइंग टू बोर्ड। फ्लाइट में 20 मिनट्स डिले हो गई है, सो वी ऑल आर सेट। आशीष कुछ निकाल रहे हैं, सो वी आर रेडी टू कम। स्टार्ट हो गई है हमारी फ्लाइट और ना जैसे ही जब तक टेक ऑफ नहीं हो जाता ना मुझे थोड़ा सा डर लगता है, सो मैं बस अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है। बट मुझे बैठना भी होता है विंडो सीट पे ही। आशी मुझसे ज़िद कर रही थी कि मुझे बैठने दो, मैंने कहा बस थोड़ी देर मैं बैठ जाऊँ और अब देखो मेरी आंखें बंद हैं। सो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा सीन है। और इसके बाद थोड़ी देर में ही हमारे पास आ गया था डिनर, राइस था, साग था, केक था और एक ब्रेड था। बस अभी हम लोग कर लेते हैं डिनर। और ये ब्राउनी थी एक, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और यहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट है दूसरी IGI के लिए आफ्टर 4 आवर्स। और यहाँ पे अभी बज रहे हैं 6:15 और हमारी फ़्लाइट है 8:30 पे।
सो यहाँ पे हम सब लोग फ्रेश हो गए हैं, सब यहीं पे हमने ब्रश वगैरह कर लिया और यहाँ पे फ्रेश हो गए हैं। बस अभी वेट कर रहे हैं कनेक्टिंग फ्लाइट की। सो बस चलिए फिर चलते हैं। बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई है क्योंकि 11-12 आवर्स की जर्नी थी ये फर्स्ट फ्लाइट, तो बिल्कुल टायर्ड हो गई हूँ और रात में सो भी नहीं पाई थी क्योंकि बिल्कुल जगह ही नहीं थी। बस किसी तरह बैठ कर ही थोड़ी देर रेस्ट कर लिया आँख बंद करके, बिल्कुल नींद तो आई ही नहीं यहाँ पे। बस हम लोग थोड़ी देर तक बैठे हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा टर्की एयरपोर्ट दिखाती हूँ। वैसे एयरपोर्ट तो सारे एक ही तरह के होते हैं, कुछ पता नहीं चलता जब तक आप बाहर ना जाओ। एयरपोर्ट का लुक तो हर जगह सेम ही होता है। ये है टर्की एयरपोर्ट। सो नेक्स्ट फ्लाइट में हम लोग बोर्ड कर चुके हैं और ये फ्लाइट 6 आवर्स की है। तो अभी हम लोग बैठ गए हैं और ये देखिए सीन। यहाँ पे देखिए आ गया था मेनू कार्ड और इसके बाद हमारा आया डिनर और यहाँ पे ना किट भी मिल रहे थे, ब्रश सॉक्स इन सब के किट थे। ये आ गया था हमारा डिनर, जूस और यहाँ पे मैं खा रही थी फ्रूट्स। बस मॉर्निंग में हम लोग इंडिया पहुंच जाएंगे। तो हम लोग पहुंच गए हैं दिल्ली और इतना अच्छा फील हो रहा है कि मैं क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बस अभी हम लोग फ्लाइट से निकल रहे हैं और यहाँ पे एयर इंडिया की फ्लाइट देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अभी चलते हैं बाहर। यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं अपने लगेज के आने का। सो बस लगेज लेते हैं एंड देन वी आर रेडी टू गो। सो बस ये था आज का मेरा US टू इंडिया का ट्रैवल ब्लॉग। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।